वेलकम गाइस इन वीडियो जाइल। सो जैसा कि पता है आपको एमपीपीएससी प्री आपका बहुत ही निकट है और हमारी एक सीरीज चल रही है आपकी 15 डेज 150 टॉपिक रिवीजन सीरीज। उस सीरीज का ये लेक्चर 5 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चरों में आपको 10-10 टॉपिक के माध्यम से पूरा रिवीजन करा दिया है। और अगर एक बार आप सिलेबस से देखेंगे तो इन 4 लेक्चरों में आपके 40 टॉपिक्स लगभग 80% सिलेबस को कवर कर लिए हैं। आज कोई नया टॉपिक नहीं है। अगर जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं वो ये लिस्ट एक बार जरूर देखें, और जो पुराने बच्चे जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है इस सीरीज को उनके लिए भी आज क्या है, आज एक ऑफ डे सा है। आपको जो 4 दिनों में आप टॉपिक कवर किए हो, क्योंकि 80% सिलेबस आपका कवर हो चुका है, तो वही सिलेबस को आपको फिर से आज रिवाइज करना है। वो 4 दिन का सिलेबस आज आपको दोबारा एक बार फिर से रिवाइज करना है। उसके बाद फिर से आपको 4 दिन नए टॉपिक दिए जाएंगे। उसके बाद फिर से एक दिन में आपको वो 8 दिन का सिलेबस कवर करना है, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सीड। ओके, सो यहां से हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने अभी तक असाइन किए हैं आपको। अगर आप नए हैं तो जल्दी से जाके आप प्रीवियस जो जो हमारे 4 लेक्चर्स हैं उसको देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 15 दिन 150 टॉपिक रिवीजन चैलेंज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ये जो भी प्रोग्राम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस इसको आया है और बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है इससे। देखिए पहले दिन में हमने क्या क्या कवर किया था, अगर नए हैं तो आप जल्दी से इसको देख लीजिए, पुराने उनको भी आज आज पूरा का पूरा बैठ के इनको रिवाइज करना है और एक FLT लगानी है। त्यौहार जनजातियों से कनेक्ट करके हमको कवर करना था तो आप ये कवर करेंगे। राजवंश को एक चार्ट बनाना है, उसको बस खत्म कर देना है, पूरा एक चार्ट बनाइए। जो भी जैसे कलचुरी वंश है आपका, बुंदेलखंड के, निमाड़ के, बघेलखंड के, जो भी शासक हुए हैं उन्होंने क्या बनवाया है, इसको आपको कवर कर देना है। फिर आपको धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल कवर कर लेना है, इसमें आप नेशनल पार्क वगैरह भी। आप क्या करिए, एक ब्लैंक मैप लीजिए और उसमें असाइन कीजिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, और उसी में थोड़ा सा लिख दीजिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कब बना, इसके अलावा कब इसकी स्थापना हुई थी, ये थोड़ा सा आपको देख लेना है जल्दी से। फिर धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके अलावा देखिए ये जो जितने टॉपिक दे रखे हैं इसके लिए, अगर इसके लिए आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो वो कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमने अलग से सीरीज बनाई हुई है, तो आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रहा तो PDF टू द पॉइंट नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल में जाके आप टू द पॉइंट नोट्स उठाइए और बस क्विक रिवीजन सीरीज है, आप क्विक रिवीजन करिए। क्योंकि देखिए रिवीजन का मतलब क्या है, रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपको डर ना लगे बस, बाकी आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। और अब लास्ट के 10 दिन में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नया आप नहीं पढ़ सकते हैं, जो पढ़े हुए हैं बस उसमें कितना रिवीजन कर लें, क्योंकि पूरी बुक तो रिवाइज आप कर नहीं सकते हैं, तो जितना आप रिवाइज कर सकते हो उसके लिए ये टॉपिक्स हैं और टू द पॉइंट्स हैं, सिलेबस पे आधारित हैं और 25 ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर ट्रेंड को एनालाइज करते हुए इनको बनाया गया है, तो बहुत ही मोस्ट यील्डिंग टॉपिक्स हैं। आगे देखिए, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फ्लो चार्ट बनाना है आपको। इसके लिए बस 3 क्रोनोलॉजी आपको बनानी है, 1885 से लेके आपको 1900 तक एक पकड़ लेनी है, उसके बाद आपको 1900 से लेके 1919 वाले एक्ट तक, फिर 1919 से एक आपको 1930 तक करना है, 1930 के बाद से 1940 तक का एक यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह से लेके पूरा सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस छोड़ना, त्रिपुरी सेशन 1939 वाला ये छोड़ के, फिर आपको 1940 के बाद की क्रोनोलॉजी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कि अगस्त ऑफर हो गया आपका, वॉबेल प्लान हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, माउंटबेटन प्लान हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, संविधान सभा की स्थापना हो गई, फिर 1947 से हम आज़ादी दिला देंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बनना, प्रीएम्बल का अडॉप्ट होना 1948 तक आप चले जाइए। तो ऐसे करके आपको कवर कर लेना है, बस एक फ्लो चार्ट बनाइए, एक A4 शीट लगेगी और आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए जो सिलेबस में मेंशन है उसको तो आपको छोड़ना ही छोड़ना नहीं है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 ये दोनों कवर करने हैं आपको, बस यही दो अच्छे से कवर करिए कि, और इसके अलावा थोड़ा सा आप 1909 वाले को भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सांप्रदायिकता कहाँ से दी गई, तो आपको ये पता है कि 1919 में नहीं दी गई और 1935 में नहीं दी गई, तो 1909 ही होगा, ऐसा करके आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर वित्तीय संस्थाएं आपको पढ़नी है, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक, सेबी, NSE, इसकी स्थापना कब हुई, ये कैसी बॉडी है, कितने आपके नॉन गवर्नमेंटल बैंक हैं और कमर्शियल बैंक हैं ये देख लेना है, इनका मुख्यालय कहाँ है और इनकी लेटेस्ट कोई स्कीम या कोई अगर इसमें पदावधि वगैरह जो इसके अध्यक्ष होते हैं कौन कौन से हैं अभी रिसेंट में, अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो आपको कवर कर लेना है। बस एक पेज लगेगा आपको A4 शीट का और ये कवर हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो हमारी सीरीज है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अगर आपको
पीडीएफ के थ्रू करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके पीडीएफ ले लीजिए। और अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में भेजिए रिक्वेस्ट, तुरंत हम तुरंत का तुरंत आपको टू द पॉइंट नोट्स, किसी भी तरीके की स्ट्रेटजी प्लान डिमोटिवेशन है पूरा का पूरा हम प्रोवाइड करेंगे। पूरी ईडू एजाइल की टीम आपके लिए समर्पित है और पिछले एक हफ्ते में इतना अच्छा रिस्पांस आया है और इतना अच्छा मेंटोरिंग हमारी पूरी की पूरी टीम आपको दे रही है। बिल्कुल इस बार निकालना है, बस ये याद रखें आप, ठीक है। फिर आप यूनिट 10 के टॉपिक लीजिए, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, यूपीएससी एमपीपीएससी, और एक आपका साइंस का टॉपिक था शरीर संरचना, इसमें आपको सारे तंत्र पढ़ने थे। इसकी डिटेल्ड कितने तह तक पढ़ना है इसके लिए आप जाके वो वीडियोज़ देखिए, बहुत ही अच्छे से बताया गया है। 4 से 5 मिनट में आपको डेली टॉपिक असाइन किए गए थे, बस उसी से देखिए और कवर करिए। फिर दूसरा देखिए, दूसरा लेक्चर में क्या था, दूसरा लेक्चर ये था आपका, दूसरे लेक्चर में आपको क्या क्या कवर करना था, मध्य प्रदेश साहित्यकार और उनकी कृतियाँ करना है, फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुनर्गठन कैसे हुआ ये करना है। अब इन टॉपिक को कितने तह तक आपको कवर करना है ये आपको मिलेगा उन वीडियोज़ में, तो जाके उनको जल्दी से देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये टॉपिक देखने से आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जा रहा है कुछ भी, लेकिन एक टेम्पलेट तैयार हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा लास्ट में क्या आता है, हॉच वॉच हो जाता है मेंटल में सबको क्लियर आउट करने के लिए, ये अच्छा एक प्रोग्राम है आपके लिए कि इसमें आप सिंपली ये टॉपिक असाइन किए जा रहे हैं डेली डेली, बस 10 टॉपिक आप कवर कीजिए और 10 दिन में आपके 100 टॉपिक और 15 दिन में 150 टॉपिक, और उस 150 टॉपिक से आपके 85 क्वेश्चन मिलेंगे प्री में, 85 प्लस क्वेश्चन की गारंटी, क्योंकि करंट अफेयर खेल से लेके आपका जो भी स्कीम है, आयोग हो गया, कंप्यूटर हो गया, पूरा एमपी का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री तो नहीं आता है, वर्ल्ड का ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, आपका इंडिया लेवल का आपका पूरा इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, सब कुछ कवर किया गया है। और बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज में अगर वीडियो के थ्रू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। फिर देखिए आप विश्व के महाद्वीप कवर करना है, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश के वन वन उत्पाद, वन्य जीव, नदियां, ये आपको कवर करने हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 25 ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप कवर करिए बस। फिर मध्य प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था के जो भी अनुच्छेद हैं कर लीजिए आप, सीएम से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं, गवर्नर से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं, उसको एक पेज में लिख के दीवार में स्टिक कर लीजिए, बस ये करना है। फिर मध्य प्रदेश की जनगणना आपको देखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जनगणना बच रही है, 2021 में नहीं आ जाएगी, इसलिए इस बार जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो अच्छे से इसको आपको कवर कर लेना है। फिर मध्य प्रदेश के उद्योग में जाना है आपको, मध्य प्रदेश के उद्योगों को एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि कहाँ से कौन सी फैक्ट्री का स्थापना कहाँ हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट में है और कब इसकी स्थापना की गई थी, और जैसे कोई अगर मेगावाट वाला प्रोजेक्ट चल रहा है तो कितने मेगावाट का है, ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। लेटेस्ट में अगर एक साल में कोई करंट अफेयर से रिलेटेड स्कीम आई हुई है या कुछ प्रस्तावित है तो वो आपको कवर कर लेना है। फिर आपको एक पॉलिटी का टॉपिक करना है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट आपके, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP और संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन में जैसे आप 42 ले लिए, 44 ले लिए, जो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ये हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे, बस वो पढ़ने हैं आपको, पूरे पूरे नहीं पढ़ने कि आप पूरे के पूरे 106-107 जो भी है वो आप करने बैठ जा रहे हो, नहीं, केवल इंपॉर्टेंट करिए आप, और लेटेस्ट अगर कोई हुआ है उसको देखिए, CNRC वाला हो गया, ये आपको देखना है। बाकी मौलिक अधिकार बहुत ही अच्छे से कर लेना है आपको, पूरा 12 से 35 अच्छे से पढ़ लेना है कि भैया कौन से में क्या पूछ रहा है बस। फिर ये देखिए आपका तीसरे लेक्चर में पोषण आहार, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रीय संसद कर लेना आपको, सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं कर लेनी, करंट अफेयर में केवल आपको फेमस पर्सनालिटी करनी थी, प्रमुख खेल संस्थान, प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, फिर इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, फिर आपके कैग को पढ़ना है, नीति आयोग, मानवाधिकार। अब देखिए लास्ट के यूनिट जो है उसमें आपको क्या करना है, उसका हमारा एक अभी लेक्चर आने वाला है, क्योंकि एक वीडियो में 10 मिनट में आपके पूरे के पूरे 12-13 जो भी आयोग हैं अच्छे से कर दिया जाएगा, उसको देखो आपको कैसे कवर करना है। उसको कवर करने के लिए आपको 2-4-5 आयाम होते हैं, उस आयामों में काम करना है, जैसे कि पहले की ये कैसी है, किस नेचर की बॉडी है, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले तो ये देखना है। इसके बाद इसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, ठीक है, इसके बाद इसका टीनर पदावधि कितनी होती है, कौन इसको अपॉइंट करता है, किसको ये रेजिग्नेशन देते हैं और कौन इसको हटा सकता है, और रिमूवल की प्रोसेस क्या है, ठीक है। इसके बाद वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है और लास्ट में इसके अध्यक्ष अभी सबसे पहले कौन इसके अध्यक्ष रहे थे, बस इन आयामों में आपको सारे के सारे 12 से 13 आयोगों को कवर कर लेना है सिंपली सा। फिर देखिए चौथा जो था हमारा, चौथा में आपको क्या करना है,
चौथा में आपको संविधान सभा कवर करना है। देखिए कैबिनेट मिशन के द्वारा लाई गई थी, फिर इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, कब इसको अडॉप्ट किया गया था, पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, कौन उसमें अध्यक्ष था, ठीक है, क्या एजेंडा थे, ठीक है, नेहरू जी के जो प्लान था वो क्या था, ये थोड़ा सा आपको जल्दी से कवर कर लेना है। फिर आपको राज्य की कल्याणकारी योजनाएं करना है, योजनाओं का वीडियो अभी कल ही हमने अपलोड किया है, बहुत ही अच्छा है, 20 मिनट में आपकी पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं कवर कर दी है उसमें, तो जाके जल्दी से देखिए। कृषि में आपको बिल्कुल लैंड से उठाना है, लैंड लेंगे फिर सीड लेंगे, फिर इरिगेशन होगा तो लैंड से रिलेटेड स्कीम है ना, फिर आपका सीड से, फिर आपका इरिगेशन हो गया, फिर क्रॉप बनेगी तो क्रॉप को कट करेंगे, कट करने से फिर उसका स्टोरेज करने से, फिर स्टोरेज के बाद उसको आपको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, फर्टिलाइजर वगैरह क्या दे रही है गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये सब आपको फोकस करना है क्योंकि एमपी और अपना पूरा इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फोकस आपको करना है। खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य प्रसंस्करण की टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, प्राइमरी आपका क्या होता है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं, फार्म से लेके आ रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी देखना है, फिर आपका टर्चरी लेवल में इंडस्ट्री के लेवल पर जा रहे हैं, ठीक है, ये देख लेना है। फिर आपको नीति स्वास्थ्य स्कीम देखना है, कहाँ किस तरह तक देखना है, उस वीडियो में आपको चौथे लेक्चर में मिल जाएगा, जल्दी से जाके देखिए। सिर्फ 4-5 डायमेंशन कवर करनी है और आपका पूरा पूरा टॉपिक हो जाएगा। विज्ञान के मौलिक अधिकार में आपको बायोफिजिक्स केमिस्ट्री सबके ले लेने हैं, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स में आप जैसे B2B C2C ये वाला जो होता है ये पूरा आपको देख लेना है। इसमें आपका गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट G2C ये सब आपको मिल जाएगा। कहाँ तक करना है वो लेक्चर में जाके देखिए, आप बहुत ही अच्छे से कवर करिए, इस बार निकालना है, बस ये याद रखना है आपको। फिर महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग, देखिए ये जितने टॉपिक बताए गए हैं अभी आप 4 डेज में 40 टॉपिक्स हमने आपको दिए हैं, और आप एक बार MBPSC के सिलेबस से टैली करिए, 80-85% टॉपिक कवर हो गए हैं, और जिन बच्चों ने इसको कवर किया है उनको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है और बहुत ही ज़्यादा वो थैंक्स हम लोग को बोल रहे हैं, तो थैंक्स कोई बात नहीं है, हमारा ये दायित्व है तो ये हम करेंगे ही। इसके अलावा कल फिर आपका नए लेक्चर के साथ हम आएंगे और नई स्ट्रेटजी लाएंगे कि छठवें लेक्चर में आपको क्या कवर करना है। अभी के लिए आप ये सारे लेक्चर कवर करिए, इसके अलावा FLT आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, जाके आपको कवर कर सकते हैं, यूनिट वाइज MCQ आपको मिल जाएंगे, वो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सारे के सारे टॉपिक हम शॉर्ट वीडियो में आपको कवर करवा रहे हैं, जिसके 4 लेक्चर आ चुके हैं ऑलरेडी, आज हम लोग मौलिक अधिकार का वीडियो डालने वाले हैं, इसके अलावा MP की ज्योग्राफी का वीडियो डालने वाले हैं, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है आप हमको टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक में भी हमारा पेज है, इंस्टा में पेज है, वहाँ भी हमको आप बिल्कुल अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप तुरंत लिख दीजिए अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, तुरंत का तुरंत हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, लेट्स यूनाइट टू क्रैक इट।